इसे क्रिकेट की दीवानी ही कहेंगे। दफ्तर में काम के साथ हर कोई पाकिस्तान और भारत के बीच होने वाले मैच को मिस नहीं करना चाहता। देखिए हमारे साथ हमारे दफ्तर में तमाम जो सहयोगी हैं मैच के एक एक अपडेट कैसे ले रहे हैं। काम के साथ क्रिकेट पे भी निगाह है, आर्यन है, बैठेंगे तो इनसे बातचीत करेंगे। पहले दिखा देते हैं, हमारे HR को देखिए, हमारे एंकर को देखिए, हमारे वीडियो एडिटर को देखिए, हर किसी के मोबाइल फ़ोन पे एक तरफ सिस्टम पे काम मशगूल, दूसरी तरफ क्रिकेट। जी सर, ठीक, काम में मशगूल है लेकिन क्रिकेट का अपडेट लेना नहीं छोड़ा सर। क्या है खास? KL राहुल का सेंचुरी हो गया है। सेंचुरी हो गया, विराट बाकी है। ये सबसे अच्छा, क्योंकि जब भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी मुकाबला खेलती है तो लोगों का जो उत्साह होता है वो देखने लायक होता है। हर किसी के मन में यह जिज्ञासा होती है कि अब अगले बॉल पे क्या होने वाला है, लेकिन अगले बॉल पे पाकिस्तान स्पष्ट होने वाला है, क्योंकि भारत के समर्थक यही चाहते हैं। और फिलहाल भारत के लिए अच्छी खबर है कि KL राहुल ने सेंचुरी बना ली, शतक लगा लिया, और अब विराट कोहली की बारी है और वो भी शतक के बिल्कुल करीब है। और देखिए हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से हर कोई क्रिकेट का लुत्फ लेते हुए दिख रहा है। और आर्यन के पास चलते हैं, और या लड़कियों की बात करें या फिर लड़कों की, हर कोई क्रिकेट खेले मैदान में या फिर प्रशंसक बनकर मैदान में पहुँच कर देखिए, लेकिन भारत और पाकिस्तान का मैच देखना हर किसी के लिए फख्र की बात होती है। और ऐसे में तब जब पाकिस्तान को हराने की उम्मीद है, क्योंकि पाकिस्तान से मैच जब होता है तो वो खेल प्रेमियों के लिए वो क्षण होता है जब हम खुद को बॉर्डर पे खड़ा होके मानते हैं। आर्यन के पास चलते हैं, आर्यन क्या स्टेटस है? देखिए निश्चित तौर पर आज का दिन जो क्रिकेट के लिए है, पूरा देश पूरी दुनिया देखती है, क्योंकि कहा जाता है कि भारत और पाकिस्तान एक ऐसी राइवरी टीम है जो जब भी मैदान पे होती है तो इसको क्रिकेट से ज़्यादा देखा जाता है। लेकिन आज एक लंबे वक्त के बाद कहे तो दशकों के बाद देखा गया कि भारतीय टीम जिस तरीके से पाकिस्तान टीम के ऊपर हावी रही है, और अब जो स्कोर है वो 300 से पार चला गया है। KL राहुल जो कि 6 महीने बाद क्रिकेट में वापसी कर रहे थे, उन्होंने शानदार शतक बनाया, और अब विराट कोहली 99 पर खेल रहे हैं, और इसके साथ ही जो कुल स्कोर है भारतीय टीम का वो 321 रन 2 विकेट के नुकसान पर है। और बात की जाए तो लंबे वक्त के बाद जो बैटिंग ऑर्डर भारतीय टीम का नज़र आया पाकिस्तान के खिलाफ वो देखने वाली बात थी। जब पिछले दिन जब 24 ओवर का खेल हुआ था तो रोहित शर्मा ने अर्धशतक बनाया था, शुभमन गिल ने अर्धशतक बनाया था, और बारिश के कारण जो रिजर्व डे था उसके बाद आज का दिन जब मैच की शुरुआत हुई, अगले जो 26 ओवर थे वो फेंके जाने थे, और अब तक जो प्रदर्शन भारतीय टीम का रहा है वो कमोबेश बहुत शानदार रहा है। इसके साथ कितने रन की टारगेट अब भारतीय टीम सेट करेगी पाकिस्तान के लिए ये देखना होगा। हालांकि जो बैटिंग लाइनअप पाकिस्तान का है उस पर भी अगर चर्चा करें तो बाबर आजम ने इसी टूर्नामेंट में 150 का एक बड़ा जो स्कोर था वो बनाया था, तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप भी मजबूत है। और अंत के जब 2 ओवर बचे हैं तो भारतीय टीम कोशिश करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रन है वो बनाया जाए। और देखिए विराट कोहली ने भी अपना जो शतक है वो बना लिया है, और इसके साथ ही विराट कोहली ने जो एक नया मुकाम है वो पाया, 77वां ये शतक है विराट कोहली का। और एक बात की जाए तो 84 गेंदों पर ये जो शानदार पारी है विराट कोहली ने खेली है। बता दें कि आज एक लम्हा विराट कोहली के लिए आने वाला है, महज चंद रन ही दूर है विराट कोहली, और इसके साथ ही विराट कोहली क्रिकेट में अपना जो 13,000 रन है वो पूरा करेंगे, और ऐसा करने वाले सबसे तेज जो बल्लेबाज हैं वो विराट कोहली रहेंगे। बात 8,000 रन की जाए, 9,000, 10,000, 11,000 या 12,000, ये सारे मोर्चों पर विराट कोहली का रिकॉर्ड है। विराट कोहली सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले बैट्समैन थे, और आज महज चंद रन दूर हैं 13,000 के इस मुकाम से। और निश्चित तौर पर जो पार्टनरशिप है विराट कोहली और KL राहुल की वो 199 रनों की अब तक हो गई है। अरे सबसे मज़ेदार चीज़ है कि देखिए किस तरीके से एशिया कप में KL राहुल ने शतक जड़ा है, और आज का मैच पाकिस्तान के खिलाफ भारत के दोनों बैट्समैन एक साथ शतक लगाते हुए जिस तरीके से मैच में यह रिकॉर्ड बनाया है, हालांकि बारिश पिछले 2 दिनों से जिस तरीके से
क्रिकेट प्रेमियों को थोड़ा सा निराश कर रही थी, लेकिन आज का दिन बेहद सुखद रहा, सोमवार का दिन। देखिए कोलंबो में ये जो मैच है वो हो रहा है, इससे पहले कैंडिड में हुआ था। जो रिश्ते पॉलिटिकल तौर पर भारत पाकिस्तान के हैं उसको ध्यान में रखते हुए भारतीय टीम, बीसीसीआई ने ये स्पष्ट किया था कि पाकिस्तान के अंदर भारतीय टीम एक भी मैच नहीं खेलेगी, और श्रीलंका जो वेन्यू है वो भारत के लिए तय किया गया था। कैंडिड में जो पहला मैच हुआ था भारत पाकिस्तान का, वहाँ कहीं ना कहीं जो बल्लेबाज थे भारत के वो बैकफुट पर नज़र आ रहे थे, लेकिन शानदार बैटिंग और देखिए लगातार जो प्रहार है वो भारतीय टीम द्वारा किया जा रहा है, और लगातार जो चौके हैं वो बटोरे जा रहे हैं। निश्चित तौर पर आखिरी के दो ओवर में भारतीय टीम भी जानती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रन है वो बटोरे जाए ताकि एक विशाल स्कोर जो है वो खड़ा किया जाए। वहीं बारिश का खतरा भी इस मैच पर मंडरा रहा है, ऐसे में जो रन रेट है वो भारतीय जनता पार्टी भारतीय टीम चाहती है कि उसको मेंटेन किया जाए। 13,000 रन विराट कोहली ने पूरे कर लिए। देखिए निश्चित तौर पर एक जो शानदार अभी चौका लगा, इसके पहले बात की जाए तो 13,000 का जो आंकड़ा है वो विराट कोहली ने पार किया है, और सबसे तेज जो 13,000 रन है वो विराट कोहली ने बनाए हैं, तो नया आयाम, और इस नए आयाम के साथ अब तक जो स्कोर है वो 330 का है, 2 विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम ने बनाए हैं, और इसके बाद 2 ओवर और शेष हैं, तो कितने रन स्कोर बोर्ड पर भारतीय टीम लगाती है ये देखने वाली बात होगी। और जब पाकिस्तान बैटिंग करने आता है तो गेंदबाज अब किस तरीके से अपना जलवा बिखेरेंगे इस पर भी निगाहें टिकी हैं, क्योंकि बल्लेबाजों ने अपना काम कर दिया है। गणेश बिल्कुल बल्लेबाजों ने अपना काम कर दिया, बल्ले से जिस तरीके से भारतीय बल्ले से प्रहार पाकिस्तान के गेंद पर की गई उसके बाद पाकिस्तान फिलहाल पस्त दिख रहा है। हालांकि अब भारतीय गेंदबाजों की बारी होगी, जब पाकिस्तानी बैट्समैन क्रीज पर उतरेंगे तो उनको किस तरीके से पवेलियन भेजा जाएगा वो देखना होगा। हालांकि स्कोर जिस तरीके से है वो बेहद शानदार है, दोनों ही प्लेयर्स ने बहुत अच्छे से अपना शतक पूरा किया। और फिलहाल हम न्यूज़ रूम में थे और इस क्रिकेट के बारे में जो वीडियो हम बना रहे हैं वो दिखाना इसलिए भी दिलचस्प है, दफ्तर में काम के साथ क्रिकेट वो भी पाकिस्तान के साथ जब होता है तो तमाम काम पीछे रह जाते हैं। फिलहाल सब किसी के निगाहें पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड का जो स्कीम है वो दिख रहा है कि प्लेयर जो मैदान में उतरे हैं किस तरीके से पाकिस्तान को पछाड़ रहे हैं, और यही जज्बा हर भारतीय के मन में होता है, चाहे वो क्रीज पर रहे या बाहर, हर कोई चाहता है कि पाकिस्तान को एक जो है अच्छी शिकस्त दिया जाए जिससे कि इतिहास के पन्नों में वो क्षण दर्ज हो जाए। देखिए ये विराट कोहली के जो शतक वाली तस्वीरें थी वो हम दिखा रहे थे, किस तरीके से मोबाइल स्क्रीन पर हमारे सभी सहयोगी मशगूल हो गए हैं। भारत के द्वारा पाकिस्तान के बीच जो मैच चल रहा है, इस मैच के यादगार क्षण, सभी उस यादगार क्षण में शामिल होने की कोशिश में है। फिलहाल हम आपको बता दें कि पाकिस्तान के बैट्समैन जब मैदान पर उतरेंगे तो किस तरीके से भारतीय टीम की रणनीति होगी उसकी भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल पाकिस्तान के खिलाफ भारत की एक लंबी जो जीत की उम्मीद है वो बन गई है, और इसके साथ ही जो स्कोर बोर्ड है वो पाकिस्तानी समर्थकों को, प्रशंसकों को और पाकिस्तानी टीम को परेशान करते हुए दिख रही है। धीरे धीरे से धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरामा में। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं।
घर वापसी की खुशी। पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रिडिफाइंड।